चारा घोटाला मामले में सजा पत्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी या फिलहाल जेल की सजा जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवम्बर को कागज लिस्ट की 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध हो गया है। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने के आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस मामले में आज सुनवाई होगी। अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वो जेल के बाहर आ सकेंगे। बता दें, लालू प्रसाद यादव के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वहीं उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी। दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था। वहीं उनको चारा घोटाला के 3 मामलों में अब जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को तैयारी कर रही है। चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव 5 में से 4 मामले में दोषी करार किए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के 5वें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 129 करोड़ रुपए की निकासी का है। अगर उनको दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को बेल मिल जाती है तो उनके लिए जेल में बाहर निकलना का रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।